क्या जरूरत है जब आप रिलीजियस पोजीशन में घर हथियार को रखते उसमें आप, और फिर हथियार रखते साथ में सब प्रोवोकेटिव नारे लगाते आप क्यों, और तीसरी बात आपने उस मस्जिद के सामने जाकर झंडा लगाने की कोशिश क्यों की, वहां पर झंडा क्यों लगाया, बल्कि आपने वहां पर कमिश्नर ऑफ पुलिस कह रहे हैं, तो किस बुनियाद पर आपने उनको इतना बड़ा प्रोसेशन निकालने दिया और हाथों में एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 2500-300 तलवारें हैं, हाथ में कट्टा है, पिस्टल है। और ये बता, हम पूछना चाह रहे हैं लोगों से, क्या तलवार और ये तफंचा रखना क्या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है, क्या ईआरपी है? वो वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। अब मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जब सरकार नहीं चाहती कम्युनल वायलेंस नहीं होता, तो यहां पर भी सरकार चाहती थी कि वायलेंस हो, आपने वायलेंस होने दिया। आपकी नाक के नीचे तलवारें निकल रहे हैं, गाने बज रहे हैं प्रोवोकेटिव गाने, आपके सामने मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने की कोशिश बल्कि लगा देते हैं कई जगह। ये मामला आया तो आप दिखाते अपना असली चेहरा। तो दिल्ली की जनता को ये भी देखना है मुख्यमंत्री का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये दोहरा चेहरा, ये फौरन इल्जाम लगा देते हैं। अरे भाई, वहां पर बगैर परमिशन के जुलूस जाता है, हाथों में एक नहीं सौवों तलवारें हैं, मस्जिद के ऊपर झंडा लगाया जाता है, वहीं से झगड़ा शुरू होता पूरा। धानी में तलवार को लेकर फिर सकता है, अगर वही तलवार किसी मुसलमान के हाथ में आ गई तो एक तलवार हटा दीजिए। यहां पर एक नहीं सौवों के हाथ में तलवारें हैं, कट्टा है, पिस्टल है, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप के आप नारे लगा रहे हैं, गाने बजा रहे हैं। अरे रिलीजियस प्रोसेशन है, राम के नाम पे निकाल रहे हैं, और उसमें गाली क्यों दे रहे हैं मुसलमान को आप? किसी मस्जिद पर दरगाह पर झंडा क्यों लगा रहे हैं आप? क्या उत्तराखंड में आपने नहीं देखा कि दरगाह के ऊपर चढ़कर झंडा लगा दिया गया? मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने का विजुअल क्यों नहीं दिखाया जाता टीवी के ऊपर? मस्जिद के सामने वो गाने बजाए जा रहे हो, क्यों नहीं दिखाया जाता मीडिया में? तो सोशल मीडिया पर क्यों आता है? मस्जिद के सामने तलवारें लहराई जाती हैं, मस्जिद के सामने ठहरकर मियां फुला गाली दी जाती है, ये क्या हो रहा है फिर? आप क्या कर रहे हैं आप? अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो एक्शन लीजिए, कोई रोक रहा नहीं है आपको, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए। मगर ये कौन सा है? आप तो सिलेक्टिव